करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो सिर उठा के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है क्योंकि किसी भी प्यासे को कभी घर बैठे दरिया नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 1 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज 1 फरवरी है और एक नया महीना स्टार्ट हो गया है। टोटल 11 महीने अब शेष बचे हैं 2021 में, तो इनको यूटिलाइज कीजिए और सक्सेस प्राप्त कीजिए। और देखिए इस साल आप टारगेट बना लीजिए कि इस साल मुझे किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से बता दूं, देखिए आज की वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे और कल के वीडियो क्लास में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर बताएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति को चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए तिथि आपकी है 4 फरवरी 2021। देखिए चौरी चौरा जो है ये प्लेस है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास और मैं यहाँ पे गया भी हूँ क्योंकि मेरा घर ही गोरखपुर में है। देखिए जो आपका चौरी चौरा प्लेस है यहाँ पर जो है जो आपका इतिहास में हमने पढ़ा होगा चौरी चौरा हत्याकांड यानी कि चौरी चौरा की घटना यहीं पर हुई थी। देखिए चौरी चौरा की जो घटना है ये 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर के पास हुई थी और इस दिन जो आंदोलन के प्रदर्शनकारी थे उनका एक बड़ा समूह जो है ये पुलिस के साथ भिड़ गया था और इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां पर आग लगा दी और इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों सहित 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। और इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी बहुत ही विक्षुब्ध हो गए और महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। देखिए एग्जाम में प्रश्न कई सारे पूछे गए हैं कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को। और इस चौरी चौरा की घटना के कारण जो गांधी जी थे इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन की स्थिति को बंद किया, तो ये 12 फरवरी 1922 को इन्होंने अपना आंदोलन रोक दिया था असहयोग आंदोलन। देखिए आपको बता दूँ पूर्ण स्वराज और स्वशासन प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया था लेकिन इसको बंद करना पड़ गया था इस घटना के कारण। तो याद रखिएगा इसीलिए 4 फरवरी को ये घटना हुई थी और 4 फरवरी 2021 को पीएम मोदी जो है ये चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में मुंबई के एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के किस जहाज को डी कमीशन किया गया। देखिए भारतीय नौसेना का एक बहुत ही प्रमुख जहाज था INFACT-81, इसको अभी हाल ही में डी कमीशन किया गया है मुंबई में एक कार्यक्रम में। देखिए जो आपका INFACT-81 है इसको 20 से अधिक वर्षों के सेवा के बाद डी कमीशन किया गया है यानी कि इसको जो है रिटायर कर दिया गया है और इसके लिए डी कमीशनिंग इवेंट मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में अभी हाल ही में आयोजित किया गया था और इस आयोजन के मुख्य अतिथि रियर एडमिरल वी श्रीनिवास थे जो कि महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर हैं। और इस जहाज़ के बारे में बात करें तो देखिए जो आपका ये INFACT-81 था इसकी विस्थापन क्षमता 60 टन है और इसकी लंबाई 25 मीटर है और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसराइल के मेसर्स रामता के सहयोग से बनाया गया था और INFACT-81 को भारतीय नौसेना में वर्ष 1999 में शामिल किया गया था लेकिन इसको 2021 में डी कमीशन कर दिया गया है, याद रखेगा इसको। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किसने 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। तो देखिए 31 जनवरी को पीएम मोदी ने हाल ही में प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है। देखिए प्रबुद्ध भारत जो है ये रामकृष्ण आर्डर की एक मासिक पत्रिका है, रामकृष्ण मठ के बारे में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए इस पत्रिका की जो शुरुआत है ये स्वामी विवेकानंद ने 1986 में की थी और अभी हाल ही में अद्वैत आश्रम मायावती के द्वारा इस प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह का जो है आयोजन किया गया था। देखिए प्रबुद्ध भारत पत्रिका ने भारत में प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य किया है और जो आपका ये अद्वैत आश्रम मायावती है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए अद्वैत आश्रम मायावती की स्थापना 1899 में रामकृष्ण मठ की एक शाखा के रूप में हुई थी, ये उत्तराखंड में स्थित है, यहीं से ये मासिक पत्रिका जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत ये पब्लिश होती है। चौथा प्रश्न ये हाल ही में किस तिथि को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो देखिए जो आपका विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस है ये 30 जनवरी को हाल ही मनाया गया है। देखिए कुष्ठ रोग एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है।
ये रोग मुख्य रूप से त्वचा संबंधित तंत्रिकाओं और आँखों को प्रभावित करता है। देखिए, भारत सरकार ने इस रोग को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम को शुरू किया है। तो 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, यानी कि वर्ल्ड एंटी लेप्रोसी डे। और पांचवा प्रश्न है कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में समुद्री कछुआ जो आपका है, ठीक है, तो समुद्री कछुआ के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। देखिए, भारत का जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने अभी हाल ही में मरीन मेगा फना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है, और इसी में इसने समुद्री कछुआ के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना जारी की है। देखिए, जो आपके ये दस्तावेज हैं, ठीक है, इन दस्तावेजों में तट पर फंसे जानवरों से निपटने के लिए रूपरेखा, समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों के लिए खतरे को कम करने के लिए प्रबंधन की कार्यवाही इत्यादि शामिल हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और वार्षिकांक 2021 का अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें पूरे साल 2020 के करंट अफेयर को विस्तार से बताया गया है, और भारत सरकार का या फिर किसी भी राज्य सरकार आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं और 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जितने एग्जाम हुए हैं वहाँ पे इसी PDF से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर इवेंट आयोजित किया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसने जो है रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर एक इवेंट को आयोजित किया था। देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो आपके हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम को संबोधित किया। और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन जी हैं, ठीक है। देखिए, जो आपका ये इवेंट था रीस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी, ये इवेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा आयोजित किया गया था, ताकि सीमाओं को फिर से खोलने के लिए आवश्यक नीतियों साझेदारी पर चर्चा की जा सके और एक सुरक्षित और सतत तरीके से आवश्यक यात्रा, पर्यटन और वाणिज्य को सक्षम बनाया जा सके। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लीजिए। देखिए, इसका मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है, और इसके संस्थापक हैं क्लास स्वाब। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। इसके लीडर हैं क्लास स्वाब, ठीक है। और सातवां प्रश्न की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे यानी कि NTD मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया था? तो देखिए, 30 जनवरी 2021 को कुतुब मीनार को रोशन किया गया था उष्णकटिबंधीय रोग दिवस को मनाने के लिए। देखिए, हाल ही में 30 जनवरी 2021 को दूसरा विश्व NDD यानी कि निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी कि उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया, और इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर के 25 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक स्थलों को रोशन किया गया था, और इनमें आपका एक कुतुब मीनार शामिल था। भारत ने अपने यूनेस्को विश्व धरोहर कुतुब मीनार को रोशन किया था इस उष्णकटिबंधीय रोग दिवस को मनाने के लिए। आठवां की अमृत महोत्सव, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस समारोह का उत्सव है? तो देखिए, अमृत महोत्सव जो है ये भारत की आज़ादी का 75वां वर्षोत्सव जो है उसके लिए मनाया जाने वाला एक समारोह उत्सव है। देखिए, आपको बता दूं 2022 में जो है हम अपनी देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाएंगे, तो इसलिए इसी साल से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए, हाल ही में जो आपका संसद का बजट सत्र था, इसको संबोधित करते हुए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो अपने संबोधन में ये कहा कि जो आपका अमृत महोत्सव है ये मनाया जाएगा इस साल से, जो कि भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा। तो अमृत महोत्सव किससे रिलेटेड है? भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ से, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। नवा प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया? तो देखिए, ये ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी आपकी क्लारिस लिचमैन। देखिए, जो आपकी क्लारिस लिचमैन है, ठीक है, इनको हॉलीवुड के सबसे विपुल कलाकारों में से एक के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते थे। और दसवां प्रश्न की, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस स्थान पर अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर यानी कि IDC सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, जो आपका ये नया IDC सेंटर बनेगा, ये बनेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और सबसे खास बात है कि जो आपका ये इंडिया डेवलपमेंट सेंटर नोएडा है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसकी जो वास्तुकला होगी, ठीक है, ये ताजमहल से प्रेरित है, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लीजिए। देखिए, इसके CEO हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका है रेडमंड, वाशिंगटन DC, USA में। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। इससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ, देखिए, जो आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो है जनवरी 2021 का, ये शाम को अपलोड होगा 9 बजे। तो शाम को 9 बजे सभी लोग तैयार रहेंगे उस वीडियो को देखने के लिए।
देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया गया, आंसर बताइए। और दूसरा कि हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया, बताइए। तीसरा, 21 तिथि को शहीद दिवस या फिर मार्टर्स डे मनाया जाता है, आंसर बताइए। चौथा कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक किस देश में आयोजित की गई, बताइए। पांचवा कि फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन अनुमानित जारी किया है, बताइए। और हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तर क्या कहते हैं। देखा क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता, तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और दूसरा था कि किस देश में प्रधानमंत्री जुसेपी कोंते ने इस्तीफा दे दिया है, तो देखिए देश आपका इटली है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो देखिए ये राज्य मेघालय है। और चौथा था कि COVID-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए भारत जो है ये 86वें स्थान पर है। पांचवा था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए भारत इसमें 86वें स्थान पर है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।